नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आजकल सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, और म्यूचुअल फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि इन्वेस्टमेंट करना। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, वो भी कुछ आसान टिप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और जरूरी स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को समझना। देखिए, हर किसी का इन्वेस्टमेंट का मकसद अलग होता है। कोई रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर रहा होता है, तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई शायद घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो कोई अपनी शादी के लिए। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? क्या आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ सालों में ही पैसों की जरूरत पड़ेगी? अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, जैसे कि 2-3 साल में घर खरीदना, तो आपको ज्यादा सेफ ऑप्शन चुनना चाहिए। आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इक्विटी फंड से कम रिस्की होते हैं। अब दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी रिस्क लेने की क्षमता, यानी कि रिस्क टॉलरेंस को समझना। देखिए, हर कोई रिस्क नहीं ले सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्क से डरते हैं, उन्हें अपनी मेहनत की कमाई डूबने का डर रहता है। ऐसे लोगों के लिए डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सेफ होते हैं। तो दोस्तों, अपनी रिस्क लेने की क्षमता का ईमानदारी से आकलन करें। अगर आप खुद कंफ्यूज हैं, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है फंड के पिछले परफॉर्मेंस पर ध्यान देना। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखें कि उसने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है। पिछले 5-10 साल का परफॉर्मेंस देखें और ये समझने की कोशिश करें कि फंड ने मार्केट के अलग अलग सिचुएशंस में कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होता है। हो सकता है कि किसी फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन फ्यूचर में वो उतना अच्छा परफॉर्म न कर पाए। तो दोस्तों, सिर्फ पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर किसी फंड में इन्वेस्ट ना करें। अन्य बातों पर भी ध्यान दें, जैसे कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड का साइज। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। देखिए, फंड मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, जितना एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होगा, उतना ही बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होगी। फंड मैनेजर के पिछले रिकॉर्ड को भी देखें, उसने पहले किन फंड्स को मैनेज किया है, उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर के पास मार्केट की अच्छी समझ होती है और वो बेहतर डिसीजंस ले सकता है। तो दोस्तों, फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर के बारे में भी जानकारी जरूर हासिल करें। चैप्टर 5, एक्सपेंस रेशियो और दूसरे चार्जेस। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सपेंस रेशियो और दूसरे चार्जेस को समझना। देखिए, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। इन चार्जेस में शामिल होते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और एंट्री लोड। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो फंड मैनेजमेंट के लिए ली जाती है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को चुनें, क्योंकि इससे आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। एग्जिट लोड वो फीस होती है जो आपको फंड से पैसे निकालने पर देनी पड़ती है। एंट्री लोड वो फीस होती है जो आपको फंड में इन्वेस्ट करते समय देनी पड़ती है। तो दोस्तों,
किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशियो और दूसरे चार्जेस के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। चैप्टर 6, फंड का साइज और एसेट्स। दोस्तों, छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड का साइज और उसके एसेट्स। देखिए, बड़े फंड्स में निवेशकों का विश्वास ज्यादा होता है और वे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन छोटे फंड्स भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, इसलिए दोनों का संतुलन बनाएं। फंड के एसेट्स भी देखें। फंड किन कंपनीज या सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है? क्या ये कंपनीज या सेक्टर्स फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? तो दोस्तों, फंड के साइज और एसेट्स के बारे में भी जानकारी हासिल करें ताकि आप अपने लिए सही फंड का चयन कर सकें। चैप्टर 7, इन्वेस्टमेंट की अवधि। दोस्तों, सातवां और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्विटी फंड्स बेहतर हो सकते हैं। एक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा रिस्की भी होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स पर विचार करें। डेट फंड्स एक्विटी फंड्स से कम रिस्की होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। हाइब्रिड फंड्स एक्विटी और डेट फंड्स का मिश्रण होते हैं। तो दोस्तों, अपनी इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन के हिसाब से सही फंड का चयन करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स म्यूचुअल फंड चुनने के लिए। याद रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले सभी जरूरी बातों को ध्यान से समझ लेना बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और अन्य जरूरी फैक्टर्स पर विचार करें और फिर ही किसी फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।